सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। हाथी नाले को पार किया। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस चौधरी में। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी चित्तौड़ से निकला हूँ। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं चित्तौड़ आया हुआ था। अभी दूसरे दिन मैं चित्तौड़ से वापस अपने गांव के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन मैं गांव जाने से पहले दिल्ली घाटी के लिए निकल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चित्तौड़ से अभी अपना रूम चिधर से लिया हुआ था धर्मशाला में, उधर से तो मैं निकल चुका हूँ। अभी मैं हल्दी घाटी के लिए निकल, मैं और अपना दोनों भाई निकल चुके बाइक लेके, और बाइक को ठीक करवा दिया है। अभी लगता तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम होगा अपने वापस गांव तक जाने। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास एक और बाइक है, उससे हम काम चला लेंगे जैसे तैसे, धक्का दे के या और कुछ जो भी होगा जो हम देख लेंगे हम बाद में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना प्लीज़ गाइस। आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी मदद करना गाइस। इस वीडियो में महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर एंड तक की पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, जो कि हम हल्दी घाटी म्यूजियम में अभी जा रहे हैं। वहाँ पर पूरी फिल्म चलती है, जो फिल्म पूरी मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ वहाँ पर, लड़ा युद्ध लड़ा गया और कैसे महाराणा प्रताप, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा कि घोड़े ने चेतक ने उनको बचाया, और कौन सा नाला था जिसको चेतक ने एक ही छलांग में पूरा पार कर दिया, और अपने मालिक की कैसी रक्षा की उसने। तो वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, महाराणा प्रताप से जन्म से लेकर एंड तक पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़ गाइस। मैं खुद भी सेकंड टाइम हल्दी घाटी देखने म्यूजियम देखने वापस जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम स्कूल के टूर के साथ में आया था जब मैं पढ़ाई करता था, तब भी मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, अभी घर पर ही कुछ काम कर लेता हूँ छोटा मोटा, नहीं तो नौकरी करता हूँ। फिर भी देखते हैं, अगर आप हल्दी घाटी के पास में भी नाथ द्वारा लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा स्टैचू है जिसका वीडियो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, शॉर्ट वीडियो देख लेना आप, वर्ल्ड की सबसे बड़ी होगी शायद नाथ द्वारा राजसमंद में। अगर आप बोलोगे तो उस पर भी मैं एक ब्लॉग बना दूँगा। अच्छा, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, अगर बनाना हो तो उसके ऊपर वीडियो, ठीक है वीडियो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं होगा कि बनाना या नहीं बनाना। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, अगर ठीक है अगर बनाओ या नहीं बनाओ, जो भी है अपना सजेशन जरूर देना गाइस। ठीक है समरिया। ये गाइस क्या गाड़ी बहुत लोड है, देख लो पैसों के लिए चारा लेके गई बेचारी, एक छोटी सी बच्ची पे इतना जुर्म हो रहा, देख लो गाइस। ये जुर्म सिर्फ अपने इंडिया में ही होता है, बात तो सही है, और किधर आपको नहीं मिलेगा, अमेरिका जापान इंग्लैंड चीन वगैरह वगैरह देशों में, ये सिर्फ अपने इंडिया में ही आपको देखने को मिलते हैं ऐसे कारनामे। अगर आपके यहाँ पर भी ऐसे कारनामे होते हो तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि हाँ अगर आपके यहाँ होते या नहीं होते जो भी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा नहीं खींचूँगा, अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको मिलता हो छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहे वीडियो पर।
फाइनली गाइस हमें होटल आनंद प्लाजा में अभी कुछ नाश्ता करने के लिए अभी रुके थे। हमने दोनों बाइकों को यहाँ पे पार्क कर दिया और भाई ने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। पता नहीं क्या दिया है, कुछ ना कुछ दिया होगा, जो कि हम अभी नाश्ता करने के बाद अभी हम यहाँ से निकलेंगे। अभी फिर आपको वापस हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। फाइनली गाइस अभी तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है, हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। अब हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आपको और इंतज़ार नहीं कराएंगे आपको वहाँ का व्यू दिखाने के लिए। इतना इंतज़ार कर दिया तो थोड़ा और कर लो, और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ वो जगह कौन सी है जो कि आप वीडियो में देख रहे हो अभी। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हल्दी घाटी म्यूजियम के पास में। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है बाद में, बाहर कुछ कुल्फिया उल्फिया लगी हुई है और कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए, जो कि ये आपको दिख रहा है जो बड़ा गेट, वो हल्दी घाटी म्यूजियम में एंटर का बड़ा गेट है जो कि देख रहे हो यहाँ पे। अभी टिकट चेक करने के लिए पुलिस वाले भी बैठे और कुछ देख रेख के लिए भी है। अभी हम जाएंगे और वहाँ पे टिकट देखेंगे कितने का हुआ, फिर बताते हैं आपको। फाइनली गाइस हमने टिकट लिया, हमका तीनों का 360 का टिकट बना है। अभी हम अंदर जाते हैं और फिर आपको बताते हैं वापस अंदर का मी। तो हमारे अंदर आने के बाद में राइट साइड में एक शिव जी का मंदिर दिख रहा है और पास में महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिख रही है, और यहाँ पर कुछ सुरवीरों के पुतले बना के दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे दिखते हैं और ये शायद महाराणा प्रताप है, और ये हल्दी घाटी के युद्ध का सीन है जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने दुश्मन के हाथी के ऊपर चढ़ाई की थी। और कुछ सूरवीरों के पुतले हैं और महाराणा प्रताप का भी यहाँ पर पुतला है जो देख रहे हो आप। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इनका फोटो डाल दूँगा जो कि आप देख लेना आराम से। इधर शायद चेतक का स्टैचू बना हुआ है जो कि वो देख सकते हैं, वाइट रंग का किया हुआ है कलर, और पास में एक तोप भी पड़ी है, शायद बड़ी थी तोप। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है आयुष्मान सिंह राज्य पर राजस्थान के द्वारा निर्मित किया गया ये संग्रहालय। अब यहाँ से हम तीनों भाई आगे के लिए निकलते हैं और आगे देखते आगे का भी क्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है और नीचे गौ माता, और मैं और मेरे भाई यहाँ पर बैठे बैठे म्यूजियम के अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, और भी टूरिस्ट लोग आए थे जो कि यहाँ पर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। और अंदर आने के बाद में कुछ इस तरह की चित्रकला दिखती है जो कि चित्तौड़गढ़ में जौहर स्थल की चित्रकला दिख रही है, और इस साइड में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने कुछ नाले को खुदा था और कुछ युद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया चित्र में। और यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके ब्रदर और सिस्टर को उनकी माता जी कुछ शिक्षा देते हुए चित्र में बताया जा रहा है, और यहाँ पर महाराणा प्रताप को भाला फेंकने की शिक्षा मिल रही है और उनके भाई को भी। और यहाँ पर कुछ तलवारें और सेफ्टी के प्लेटें जैसे, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं आप बता देना, प्लेटें जैसी दिख रही है। और यहाँ पर कुछ महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास के कुछ बारे में पुस्तकें दिख रही है हमको, और यहाँ पर और भी हथियार हमको दिख रहे हैं जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। और यहाँ पर कुछ सेफ्टी के कुछ गैजेट भी है, और महाराणा प्रताप का ये शायद मुकुट है, राज मुकुट, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में अभी। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी है और उनके प्रतिमाएं भी बनाई हुई है जिन जिन शूरवीरों की, महाराणा सांगा कुंभा और उदय सिंह और श्री नाथ जी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं दिखाई गई है। और अभी यहाँ पे टीवी में आपको दिखाएगा ये म्यूजियम की स्थापना कैसे और किसने, इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें, और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए
और हमारे देश को गौरव को आगे बढ़ाएं। और इसी में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश दुमानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहां की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां भी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसून बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यही पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब यह फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी ये मंदिर आ गए और यहाँ पर पूरी फिल्म बताई जाएगी, जो कि आप देख लो अभी आराम से। फिर मिलता मैं आपको वापस। सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने
भूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासू कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप
स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अश्वयान देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी गुलमुंगरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शिवपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शिवपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है,
हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को माँ बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी माँ थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस माँ का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक आया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखें। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछाने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। तो भी हमने खाने के लिए रोटी सब्जी चावल कड़ी और दाल और भी हम खाने के बाद में आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस अभी म्यूजियम देखने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमने खाना भी खा लिया और यहाँ पे कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। वही स्थान है जहाँ पे महाराणा प्रताप
और चेतक की समाधि स्थल बनाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ से कुछ मिट्टियाँ भी लेके जा रहे लोग, जो कि आपने वीडियो के पुल टीवी शो में देखा था आपने। और अभी मुझे इस वीडियो की एंडिंग यही पे करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक फिर नए और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बने रहे अपने वीडियो पे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।